भारत रत्न अटल जी की एक कविता की लाइनें हैं कि किसी रात की मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूं कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, ये हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सदी की सबसे भीषण त्रासदी को ना तो जापान भूला है, ना ही दुनिया भुला पाई है, भूल भी नहीं सकती है, क्योंकि परमाणु हथियारों की होड़ एक बार फिर दुनिया को 77 साल पहले के मुहाने पर ले आई है। ताकतवर देशों के बीच आखिर क्यों महाविनाश के हथियारों की होड़ है और क्यों 21वीं सदी में हर बीतते दिन के साथ परमाणु युद्ध की आशंका और प्रबल होती जा रही है, तथ्यों और सबूतों के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए, हमारा मकसद डराना नहीं, सिर्फ बताना है। एटम बम फटेंगे, 1 अरब लोग घटेंगे। अरबों लोग भूख और बीमारी से मारे जाएंगे। आधे घंटे में ही 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। जमीन बंजर हो जाएगी, आसमान स्याह हो जाएगा। दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। इंसानी तबाही के इतिहास का किस्सा बताने वाला शायद ही कोई बचेगा। परमाणु युद्ध होगा तो यही होगा, यही सच्चाई है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस हकीकत को जानते हुए भी कई देश दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकना चाहते हैं। इसलिए तारीख के तजुर्बे से भविष्य की तस्वीर समझना जरूरी है। 77 साल पहले चली घंटे पहले अमेरिका के एक विमान ने हिरोशिमा पर बम गिराया है और दुश्मनों के लिए इस शहर की उपयोगिता खत्म कर दी है। ये परमाणु बम है, ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा से तैयार किया गया बम, वही ऊर्जा जिससे सूरज अपनी शक्ति पाता है। ये शक्ति उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है जिन्होंने सुदूर पूर्व में युद्ध छेड़ा है। छह अगस्त 1945 को जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ये बयान जारी कर रहे थे, तब तक जापान का एक शहर शमशान में तब्दील हो चुका था। करीब 1 लाख लोग मारे जा चुके थे या उनकी मौत तय थी। अमेरिका के सूरज की शक्ति वाले बम ने पहली बार सूर्योदय के देश के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी विनाशक ताकत से रूबरू करवा दिया। इसके ठीक 72 घंटे के बाद 9 अगस्त को एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। दिन के अंदर दुनिया सबसे खौफनाक तबाही का मंजर देख चुकी थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। सतहत्तर साल बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। दुनिया के कई छोर थदक रहे हैं। 5 महीने से यूरोप की दहलीज धमाकों से थर्रा रही। रूस यूक्रेन को पूरी तरह नस्तनाबूद करने की सौगंध खा चुका है तो चीन ताइवान को तहस नहस करने को तैयार बैठा है। वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह अपने पड़ोसियों की चौखट पर एटम बम लेकर बैठा है। इसलिए यूएन महासचिव ने कहा कि मानवता परमाणु युद्ध से एक कदम के फासले पर है।
यूएन महासचिव ने जो कहा वही मौजूदा वक्त की सच्चाई है। यूरोप से एशिया तक बारूदी अदावत न्यूक्लियर तबाही का आकार ले रही है। जरा सी चिंगारी आधी आबादी का काल साबित हो सकती है। इसलिए सवाल लाजमी है कि दुनिया में महाविनाश के हथियारों की होड़ क्यों है, परमाणु युद्ध का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो क्या होगा। कयामत आ जाएगी, कयामत। इंसान तो क्या धरती पर इंसानी विरासत का नामो निशान तक नहीं बचेगा। क्या रूस, अमेरिका और चीन यही चाहते हैं? क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ऐसी ही तबाही लाना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के पहले से ही सहमी मानवता को माओ के मुल्क ने नया सिरदर्द दे दिया है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं।